अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SNS टॉक। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, शुक्र गला अब काफ़ी स्टेबल है। ट्रैवलिंग और खाने पीने से इतना ख़राब हो गया था कि आई कैन नॉट ब्रीथ, इवन कैन नॉट टॉक ईजिली। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा और मैं कुछ आप लोगों को बता भी नहीं रही थी। मुझे मेल्स आ रही थी कि प्लीज़ वेडिंग सीज़न है, कुछ बालों के बारे में बताए, क्या बाल बनाए, हेयर स्टाइल, बाल बहुत रुके सूखे हो गए। मेरे बाल भी हो गए लेकिन मैं थोड़ी सी प्रोटीन ट्रीटमेंट दे रही थी, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी कि आपके बाल को इन सीज़न में कैसे सेट रखा जा सकता है। वो भी एक प्रोटीन मास्क है जो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आज मेरा थर्ड डे, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। 5th 6th के बाद आई विल डेफिनेटली शो यू आप। तो अब चलते हैं, अपने बालों को कैसे रख सकते हैं, कर्ल्स कैसे किया जा सकता है और कितने सस्ते ब्रांड से किया जा सकता है, कितने महंगे ब्रांड से किया जा सकता है। महंगा ले ले ज़्यादा अच्छा नहीं ले सकते, वो भी मैं आपको इस व्लॉग में आज बताऊँगी सब कुछ। तो फर्दर बातें और करने से मेरा गला और बैठ जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपने बाल वॉश कर लेते हैं, तो मैं लड़कियों को ये प्रेफर नहीं करती हूँ कि प्लीज़ अपने बालों को आप एयर ब्लो ड्राई करें, ब्लो ड्राई से बाल और ख़राब हो जाते हैं। लेकिन यही होता है, नहाने के बाद बंदा थोड़ा सा जल्दी जल्दी इंस्टेंटली करता है कि भाई जल्दी जल्दी बाल ड्राई हो जाए, तो ब्लो ड्राई करते हैं। लेकिन ब्लो ड्राई में भी एक क्वालिटी आजकल आ चुकी है जो कि सबको ही पता होगा, और जो नहीं पता वो भी सुन लें। ड्रायर के अंदर एक लिखा होता है एयर ड्रायर एंड हॉट एंड कोल्ड लिखा होता है, बस वो ले लें, बस आपका काम तमाम हो जाएगा। तो जो कोल्ड है अपने बाल ड्राई कर ले, और हॉट को तो कभी यूज़ भी ना करें क्योंकि आपके बाल सारे डैमेज हो जाएंगे उससे। और कोल्ड इसलिए होता है जो एयर ड्राई करता है। तो ये दो ऑप्शन याद रखें लेने से पहले, एक रिमिंटिंग बहुत अच्छा है और एक बेबी लेस बहुत अच्छा है ड्रायर्स में। और अगर आप लोग सस्ते में जाते हैं, आजकल तो कितने चाइना के भी आ चुके हैं, वो भी बुरी नहीं है, गो फॉर इट। उस पर भी आप देखिए जिसमें एयर ड्राई लिखा होगा, सॉरी ब्लो हॉट लिखा होगा, और जिसमें कोल्ड लिखा होगा, दो ऑप्शंस होते हैं। 1, 2, 3 जिस पे लिखा होगा वो नहीं, जिस पे लिखा होगा हॉट एंड कोल्ड, गो फॉर इट। तो आप ले लें, तो सबसे बड़ी बात आप लोग का ये मसला हल। सेकंड में आप लोगों को ये बताऊँगी, जब नहा के जब बाल ड्राई हो जाएंगे, लेट इट सिट फॉर 5 मिनट्स, थोड़ा सा वेट करें ताकि बाल भी थोड़े अच्छी पोजीशन में आ जाए, क्योंकि बाल फूल जाते हैं। बालों के फूलने का मैंने पहले भी एक चीज़ बताई थी कि बाल जब फूल जाते हैं तो आप अपने बालों को किस तरीके से फ्लेक्सीबिलिटी और इनकी स्टिफनेस और इनकी क्या कहते हैं फ्रेजाइल को कम कर सकते हैं। तो उसको भूल गई हूँ ना व्लॉग करते करते, तो उसको ख़त्म करने से अच्छा है आप ये यूज़ करें लिवॉन सीरम। ये बहुत सस्ता ब्रांड है, इसकी शक्ल कांगी, लिवॉन सीरम ये बहुत सस्ता सा ब्रांड है, ये इंडिया का ब्रांड है, मेड इन पाकिस्तान भी हो गया, लाहौर में बनता है। ये बहुत अच्छा है, ये मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने बताया था। पहले मैं यूज़ करती थी टोनी एंड गाय का, वो भी बहुत अच्छा था, बॉडी शॉप का भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव था, 2-3 थाउजेंड था, और वो इतनी छोटी सी बॉटल आती थी और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी। तो मेरी फ्रेंड ये यूज़ करती थी, उसके बाद लिटरली इतने थिक गए, और मैंने उससे पूछा था कि क्या यूज़ करती हो, तो शी टोल्ड मी दिस कि मैं यूज़ कर रही हूँ लीस्ट एट 7 to 8 ईयर्स से, उसके बाद माशाल्लाह बहुत अच्छे, और कहते टूटते भी नहीं हैं, नहाने के फ़ौरन बाद नहीं, ड्राई होने के बाद लगाना चाहिए। गीले बालों में भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा ड्राई हो जाए बाल तब लगे, मैं तो ऐसा करती हूँ। मैंने गीले बालों में कभी ड्राई नहीं किया, तो मुझे उसने बताया था। तो ये बहुत अच्छा लिवॉन है, ये आपको मिल जाएगा 200, 300 या 400, जितनी अच्छी कॉस्मेटिक शॉप में जाओगे तो 400 का पड़ा होगा सेम चीज़, जितनी सस्ती मार्केट में जाओगे उतना 150 का भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल डिपेंड ऑन आर मार्केट रेट्स, क्योंकि आजकल टैक्स का सामान है। एनीवेज, तो लिवॉन सीरम आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा दराज पीके से, जो जिनको मसला होता है कौन जाए कौन ख़रीदे ये वो सारा किस्सा, तो इट्स बेटर टू गेट योर ऑनलाइन। तो ये अच्छा है, और इसको आप दो ड्रॉप्स इज वे टू गो पूरे बालों के। आप जब नहा के निकलेंगी, मैंने तो अभी लगाया हुआ है, ऐसे ऐसे करके आप रब कर ले पूरे बालों को, स्मूथली कर लो, पता भी नहीं चलेगा, और इतने सिल्की हो जाते हैं और इतने मैनेजेबल हो जाते हैं कि लिटरली आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो मेरी आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बोलने की भी, मेरी सांस ही बहुत फूल रही है बोलते बोलते, क्योंकि मेरी ना बहुत सवेर गला ख़राब हुआ है। तो फिर उसके बाद ये लिमॉन सीरम ले आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, और आप इसको ट्राई करें और अपने कमेंट ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि मुझे कमेंट से मैं सीख जाती हूँ और कमेंट से मुझे और लर्निंग भी हो जाती है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। फिर वो औरों के लिए भी अच्छा होता है जो पढ़ भी रहे होते हैं, तो डू लेट मी नो अबाउट दिस। तो सेकेंडली थिंक आ जाती है बालों को कंघी किस से करनी चाहिए। मुझे पहले मैं एक ज़माने में कंघी करती थी, वो थी वुडन ब्रश, लोग कहते थे उससे बाल बहुत अच्छे हो जाते, हेल्दी हो जाते, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो मेरे बाल बहुत टूटते थे।
उफ मेरे बाल इतने टूट से थे कि मैं कहती थी कि यार लोग बोल रहे हैं शायद वो ठीक हो, लेकिन अपनी अक्ल कहाँ थी उस टाइम, वो मुझे कभी किसी ने समझाई नहीं, जो मैंने खुद बड़े होके आके सीखी। तो मैं जब यू नो जब आप कुछ कुछ चीज़ ढूंढते हो डेफिनेटली आपको वो चीज़ हाथ में आ जाती है। तो मैं मार्केट में सर्च करते 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 जब घूमती फिरती स्टडी करते करते मुझे ये ब्रश मिल गया था, ये ब्रश मिल गया था, और ये ब्रश एंड डिटेंगल ब्रश है। ये देखो थोड़ा सा गंदा भी आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए प्लीज़। तो ये डिटेंगल ब्रश है, ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, ये मैंने विट कंपनी का लिया है। ये आपको गीले और खुश्क बालों में आपके बाल की डिटेंगलिंग ख़त्म करती है। और वैसे भी अगर आप लोग ऑनलाइन भी लेना चाहें, आप लिख दें डिटेंगल ब्रश, आपको कहीं से भी अच्छे से ब्रांड से मिल जाएगा, किसी का भी लिए, लेकिन ब्रश अच्छा रखे, डिटेंगल ब्रश रखे, चाहे किसी के होते और ना होते हो, क्योंकि बाल नहीं टूटते इससे। टूटते भी हैं 100% ही टूटते हैं, पर कम टूटते हैं, दैट्स द मैटर। तो इससे आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद ये यूज़ करने के बाद, ये जब आप करेंगे, आपके बाल भी डिटेंगल हो जाएंगे और आपके बाल स्मूथ एंड सिल्की भी हो जाएंगे। आप देखिए मैंने इस पे नहीं किया और इस पे किया, कैन यू सी, देखिए कितना डिफरेंस है। ये ऐसे ही है, मतलब मैंने सीरम लगाया और मैंने ब्रश किया, मुझे स्ट्रेटनर की भी ज़रूरत नहीं, मैं अगर ऐसे भी करूँ तो बाहर निकल जा सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई हेयर केयर के बारे में, जो कि लड़कियां बहुत पूछ रही थी। आजकल वेडिंग सीज़न की वजह से उनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज हो गए थे, तो वो प्लीज़ ये ट्राई कीजिए, आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे और ड्राई भी नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो फर्दर और बात करते हैं कि आज अपने बालों को आप एक टोंक से, एक टोंक नहीं है रोलर है, उससे कैसे आप अपने बालों को कर्ल कर सकती हैं। इंस्टेंटली कर्ल हो जाते हैं, चाहे बात है इलेक्ट्रिक है तो इंस्टेंट होंगे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होंगे। मैं स्ट्रेटनर से मैं बहुत दफ़ा करती आई हूँ, मेरे कभी भी लास्ट फॉर लॉन्ग नहीं गए जब तक उस पर मैंने हेयर स्प्रे नहीं लगाए हुए, वो भी होल्ड सीर स्प्रे, वो जो बहुत अप टू 24 आवर्स रहते हैं, उससे बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं, जितने भी अच्छे ब्रांड का ले लें। लेकिन मैंने जब से ये यूज़ किया है तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, मेरे बाल ऑलमोस्ट 72 आवर्स तक ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, बस इसी तरह रहेंगे, इसको कोई खोल भी नहीं सकता। तो चलते हैं अपने फुल वीडियो की तरफ। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ किमियाई चाइना की है, समझ लें कि कोई चाइनीज़ आपके सामने बैठी है, किमियाई कंपनी का है। ये मैंने लिया था लास्ट 2 ईयर्स पहले, जो कि डब्बे के अंदर पड़ा हुआ था, मैं यूज़ भी नहीं करती थी क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, मैं स्ट्रेटनर जो यूज़ कर रही थी इसी वजह से मुझे यूज़ नहीं करने पड़ा था। तो ये बहुत अच्छा है, मेरी मुझे ऑनलाइन में, मैं ऑनलाइन देख रही थी तो मुझे वहाँ से पता चला कि लोग ले रहे थे, तो मैंने सोचा था चलो मैं भी लूँगी, लेकिन मैंने नहीं लिया, फिर मैंने ले भी लिया और मैंने रखा भी और मैंने यूज़ भी नहीं किया। तो अब जब मैंने इसको निकाला तो इतनी ब्लेस्ड हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अच्छी चीज़ मुझे मिल गई है। देखो पुरानी चीज़ों को फेंको ही मत, माएँ खुश हो गई इससे देख के। तो ये मैंने देखे इसके हैं 1 2 3 4 5 4 इसके क्या है हीटिंग स्टूल्स हैं, देखिए 200 है शायद 200, हाँ 150, 200, 140 एंड 120, ये सारे इसके रीडिंग रेट्स हैं। इतने अकॉर्डिंग आपकी हीट चेक कर सकते हैं कि कितना 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 होना चाहिए। तो लेस रखे ज़्यादा अच्छा, थोड़ा चाइना है, थोड़ा फास्ट चलता है तो गर्म बहुत जल्दी हो जाता है। और इसकी डब्बा शबा तो मैं सारा फेंक चुकी हूँ, आप कहीं पर भी जाएंगे आपको मिल जाएगा, कोई सी भी कंपनी का ले लें, वे टू गो आप चल जाएगा। तो ये अच्छा है मेरे लिए, तो बहुत अच्छा है। मैंने रिमिंगटिंग का भी यूज़ किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, रिमिंगटिंग का भी बहुत अच्छा है, सेम है बिल्कुल, कोई वो नहीं का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है कि रहता नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको ट्राई भी किया था, ये देखिए ये अभी तक है, मैंने बहुत कंघी किया, अब खुल ही नहीं रहा था, तो जल्दी जल्दी मैं आ गई। तो हम ये आपको मैं दिखाती हूँ इसको किस तरह यूज़ करना चाहिए। बालों को सबसे मैंने सीरम लगा चुकी हूँ, सीरम स्प्रे ये सब चीज़ें इक्वल टू लिवॉन सीरम, या बस लिवॉन सीरम लगाए और अपने पूरे बाल बनाए। अब देखिए आप लोग मेरे फेस में एक चीज़ विजिबल चेंज करें, मेरे फेस का स्ट्रक्चर, कैन यू सी, देखिए मैं फेस की एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो कि मैंने अपनी वीडियो को अपने व्यूअर्स को बता चुकी हूँ मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, आपका भी फेस मेरी तरह पतला और छोटा हो जाएगा। मेरे देखिए ख़त्म हो चुके हैं और मेरी देखिए जॉ लाइन्स और मेरे बिल्कुल कट्स प्रोमिनेंट हो चुके हैं, जो कि सब मुझसे पूछते हो और मैं सबको बोलती हूँ प्लीज़ वीडियो जाके देखो, बहुत ईजी तरीके से मैंने सबको बताया। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखें यहाँ सबसे पहले मैंने बाल लिए इतने से, ये ले लिए, इसको देखिए इस तरह पकड़ा है, हम इसकी रीडिंग रेट को कम कर देंगे इतना, ठीक है,
इतने से बाल हैं। अच्छा, बालों को लेने का, पूरे बाल पकड़ के नहीं लेना, जितने मेरे तो कट्स हैं ना, आप जितने कट्स आ रहे इतने हैं, मैंने बालों को इसको ना, मैंने मुंह की साइड, अगर आप ऐसे लेंगी ना ऑपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो बाल वेवी लगेंगे, और इन साइड लेंगी तो बाल मुंह पे आ जाएंगे, तो हमने उल्टी साइड लेने, ऐसा पकड़े ऐसे, ये इसको हम ऊपर की तरफ लेके रहेंगे, समझ गए, ये नीचे होगा ये ऊपर होगा, एक ऐसे स्टेप्स में आप ऐसा करेंगे, टू ये थ्री ये फोर ये फाइव, ये यहाँ तक रुकी मैं, अब इसको दोबारा मैं टर्न कर दूंगी इस तरह, ये अब 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 डन। अब ये देखिए टन टना, सी कितने अच्छे वेव्स आ गए। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर, अब इसको मैं छोड़ दूंगी, अब देखिए जितना मैं कती लूंगी ना उतना मैं इसको छोड़ दूंगी। इसी तरीके से आप लोग करते रहें, मैं सिर्फ थोड़ा 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 करके आपको बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह मैं ले रही हूँ, ये ऐसे करते 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 स्ट्रेट में आई हूँ, ऊपर से नीचे ऐसे करते 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 मैं स्ट्रेट आई हूँ, फिर मैं नीचे आई हूँ, मैं नीचे आई हूँ, मैं नीचे आई हूँ, मैं यहाँ तक रुकी हूँ, फिर मैंने इसको कर्ल किया ऊपर की तरफ, दिस 1 2 3 4 5, इसको छोड़ दे, इतना विजिबल डिफरेंस आया है। इसी तरीके से बालों को कर्ल करना, मैं यहाँ से भी आपको बता देती हूँ, ये देखें इस तरह लेना है ऐसे, 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा सा आपने, इसलिए मैं कहती हूँ क्या करने के बाद जब पूरे आ जाएंगे इसको छोड़ेंगे आप इस तरह, 1 2 3 4 5, ये देखें इसमें और इस पे, इसी तरीके से बाल करेंगे, आपको स्ट्रेटनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, नीचे वाले बालों पे होगा ये बाउंसी एरिया हो जाएगा, और ये आप लोग ने नोटिस किया होगा कि मैं ऐसे करती हूँ बालों को पकड़ती हूँ, मैं ये क्यों करती हूँ इस तरह, अब मैं उसी के ऊपर कर रही हूँ, 1 2 3 4 5, क्यों, ये जो जी आप नोटिस कर, ये जो कट्स आते इससे वेव बन जाती है बालों की, इसी वजह से मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर आ जाती हूँ। देखिए अब यहाँ तक लेकर आ गई हूँ ना, जहाँ तक मैंने कट डाला है, अब देखना इसका कितना बड़ा आपको डिफरेंस फील होगा। ये देखिए जिस तरह मैंने यहाँ पे भी डाला था, ये जो टर्न आता है ना ये इस चीज़ को प्रोमिनेंट करता है, अब आपके सामने ही होगा जो भी होगा, ये देखिए अब ये इसी के से हो गए, मैंने जल्दी खोल दिया और पहले से हुआ हुआ था जिसकी वजह से ऐसे हो गए, लेकिन बाल इसी तरह हो जाएंगे, देखिए कितने अच्छे हुए। तो बालों को इस तरीके से करने से ये हो जाता है, बालों को करने से ये हो जाता है कि आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, आपके हीट प्रोटेक्टिव सीरम भी लग चुके और वेवी भी हो जाएंगे। स्ट्रेटनर से ये लास्ट नहीं करेंगे, पर रोलर से ये बहुत ज़्यादा लास्ट करेंगे, ये इतने अच्छे हो जाते हैं, मैं लिटरली 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 ब्लेस्ड हो चुकी हूँ, शुक्र है पुरानी चीज़ों से कुछ फ़ायदा हो गया। तो मुझे अपनी बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा, अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपको क्या फ़ील हुआ जब आपने ये यूज़ किया, तो अपने प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।